वेलकम बैक टू सैंग स्टाइल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिरोना एलो बूस्ट ट्विन ब्लेड रेजर का। ये है हमारे पास डिस्पोजेबल रेजर एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार की। इसमें आपको मिल जाती है एलोवेरा स्ट्रिप्स फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस, ट्विन ब्लेड रेजर फॉर ए हेयर फ्री स्किन, यानी कि इसमें जो ब्लेड होती है वो दो होती है, स्वीडिश स्टेनलेस स्टील फॉर ए क्लोजर शेव, यानी कि इसमें आपको बहुत क्लोज शेव मिल जाती है। प्राइस है इसकी 199 रुपीज़ और इसमें आपको मिलते हैं 5 रेजर और ये आपका 5 साल तक चल जाता है। हाउ टू यूज़, यानी कि कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपनी स्किन को वेट करना है, यानी कि गीला करना है। आप रेजर को भी धो लीजिएगा। उसके बाद इसमें तो डायरेक्ट लिखा गया है कि आप अपनी स्किन पर रेजर डायरेक्ट चला सकते हैं, यानी कि आपको अपनी हेयर की जो डायरेक्शन होती है, ग्रोथ होती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रेजर चलाना है। लेकिन मैं सलाह दूंगी, यदि आपके पास में एलोवेरा जेल है तो आप अपनी स्किन पर एलोवेरा जेल लगाकर, या आपके पास में शेविंग फोम है तो अपनी स्किन पर शेविंग फोम लगाकर शेव कीजिएगा, तो थोड़ा सा थोड़ा इजी रहता है। वैसे एक अलग टाइप के भी रेजर आते हैं वीनस के, जिसमें वो पहले से एलोवेरा स्ट्रिप लगी होती है, वो साबुन साबुन टाइप से लगा रहता है उसमें, तो उसमें पहले से ही साबुन बन जाती है, झाग बन जाते हैं। फिर आपकी स्किन पर जब हम रेजर यूज़ करते हैं तो झाग के साथ वो आपके बाल निकलते हैं, इसमें कोई झाग वगैरह तो बनते नहीं है। हालांकि इसमें कहा गया है कि जो ब्लेड है इसकी, इसके ऊपर एलोवेरा की स्ट्रिप लगाई गई है। आप देख सकते हैं इसकी पैकेट में, देखिएगा उसमें लिखा गया है द एलोवेरा स्ट्रिप्स प्लेस अबव द ब्लेड्स, यानी कि जो एलोवेरा स्ट्रिप है वो ब्लेड्स के ऊपर लगाई गई है, मेक्स द स्किन एक्स्ट्रा स्मूथ, यानी कि आपकी इसकी स्किन एक्स्ट्रा स्मूथ बनेगी। लेकिन फिर भी आप एलोवेरा जेल या शेविंग फोम का यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा सेफ रहता है जब हम एलोवेरा जेल या शेविंग फोम का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जैसा इसमें लिखा गया है कि वेट द स्किन एंड यूज़ द रेजर, वैसा ही मैं आपको करके बता रही हूँ। स्किन को हमने गीला कर लिया, उससे पहले हमने रेजर को भी धो लिया है और अब हम अपने हेयर की ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में शेव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लोज शेव हो रही है हमारी। सो बिग थम्स अप फॉर दिस। ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे ट्रैवल में आसानी से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास वैक्सिंग कराने का टाइम नहीं होता, तो आप आराम से ट्रैवल में फटाफट से शेव कर सकते हैं और आपको मिलती है एकदम हेयर फ्री स्किन। फिर आप रेजर को पानी से धो लीजिएगा, प्लस अपनी स्किन को भी पानी से धो लीजिएगा। रेजर को सूखने के लिए रख दीजिएगा और अपने हाथ को भी सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। मॉइस्चराइज के लिए हम एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे। आप कोई भी कंपनी का, अपनी मनपसंद कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ सिरोना एलोवेरा पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल। आप इसे शेविंग के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और शेविंग के बाद में भी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें है ग्रीन टी, चामोमाइल, सूथ्स एंड हील्स स्किन आफ्टर हेयर रिमूवल, यानी कि आपकी स्किन को हील करता है और सूथ यानी कि सॉफ्ट करता है। ये है डर्मोटोलॉजिकल टेस्टेड, क्वांटिटी है हमारे पास 100 ग्राम। कैसे यूज करना है, आफ्टर वैक्सिंग के बाद यूज कर सकते हैं, शेविंग के बाद यूज कर सकते हैं। अप्लाई द जेल ऑन इफेक्टेड एरिया, जहां पर आपने शेविंग और वैक्सिंग की है वहां पर इसको यूज करना है। डू नॉट यूज मोर देन 4 times a day, यानी कि एक दिन में आपको इसे 4 बार से ज्यादा अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। ये है हमारे पास फास्ट अब्जॉर्बिंग एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला, यानी कि एकदम स्टिकी स्टिकी नहीं लगता, बिल्कुल तेल जैसा नहीं है। फास्ट अब्जॉर्बिंग यानी कि आपके स्किन पे एकदम जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, ग्रीन टी हो गया। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास हल्के हरे कलर का जेल। इसमें है नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, नो केमिकल एक्टिव्स, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। प्राइस है इसकी 249 रुपीज़ और ये आपका 24 मंथ तक चल जाता है। इन दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आप खरीदना चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम मैट फिनिश हमें मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, थैंक्स, बाय।